राज्य की राजनीति में रविवार के दिन फिर एक बार भूचाल तब आया जब राष्ट्रवादी के नेता अजित पवार ने शिंदे फडणवीस सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रिया आने लगी। उसी श्रृंखला में कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे ने भी प्रतिक्रिया साझा की है। हमने देखा कि कल का दिन जो था राज्य की राजनीति में एक अलग दिन था, जो सत्ता हमने देखी कि किस तरह से सत्ता संघर्ष हमको कल देखने मिला है। हमारे साथ अतुल लोंढे जी है कांग्रेस के, उनसे हम जानेंगे कि कल का दिन जो था जिस तरह से पूरी हमने देखा कि किस तरह से सब सत्ता में दो उप मुख्यमंत्री हमें देखने मिले, ये पूरा जो है इसे कैसे देखते हो आप? ऐसा है, कल देश की जनता ने और महाराष्ट्र की जनता ने भाजपा सत्ता के लिए किस हद तक गिर सकती है वो स्तर देखा है और कल जनता ने थाम लिया है कि इसके बाद कांग्रेस के साथ ही रहना है और कांग्रेस को ही सत्ता में लाना है, क्योंकि वही उनके हितों की रक्षा कर सकती है, वही इस महाराष्ट्र की जो सुसंस्कृति है, राजनीतिक सुसंस्कृति, उसे वापस लौटा सकती है। तो ये विश्वास कल जनता में पुनर्स्थापित हुआ है कांग्रेस को लेकर। जिस तरह से कल जो भाजपा के साथ जो गए हैं एनसीपी के नेता, दिग्गज नेता गए हैं, इसको कैसे देखते हैं? मतलब दिग्गज नेता गए, प्रफुल्ल पटेल है, छगन भुजबल है, ऐसे बड़े बड़े नेता जो है इसमें शामिल। देखिए, नेता गए इसका मतलब जनता साथ में गई ऐसा होता नहीं है। ये राजनीति का स्तर जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी ने और भाजपा ने गिराया है ये जनता देख रही है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि जनता हमारे साथ में। कांग्रेस के कई नेताओं द्वारा विपक्ष नेता पर भी दावा किया जा रहा है, वो बहुत नेचुरल है। एक महाविकास आघाड़ी का तय फार्मूला है, जिसकी ज़्यादा सदस्य संख्या होगी उसी का मुख्यमंत्री होगा, उसी का अगर विपक्ष में है तो विपक्ष नेता होगा, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। दो तीन दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जिसकी ज़्यादा सदस्य संख्या रहेगी महाविकास आघाड़ी के सारे ज्येष्ठ नेता बैठेंगे और वो विपक्ष नेता हो जाएगा, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। कल की जो स्थिति थी उसे लोटस ऑपरेशन कहा जा सकता है विपक्ष की ओर से? अभी जनता लोटस का ऑपरेशन करने वाली है आने वाले दिनों में। हमारे साथ है अतुल लोंढे जी, इन्होंने कहा कि अभी जनता जो है लोटस ऑपरेशन करने वाली, अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में आगे और कौन से दिन हमें देखना पड़ता है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।